अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं करने जा रही थी अपनी पैकिंग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी। हम लोग कैरी जा रहे हैं, तो मैंने कहा चले आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ। ये मेरे ड्रेसेस हैं, जिसमें से सेंटर वाला मैं पहन के जाऊँगी, और ये रूहान के कपड़े रखे हुए मैंने, बल्कि पूरा सामान रखा हुआ है। ये ऊपर वाला ड्रेस रूहान पहन के जाएगा, और साथ में ये बाकी का सामान, रॉम्पर्स, जैकेट्स, शूज़, सैंडल, और बाकी ये ग्रूमिंग का सामान। जैकेट्स और मैंने इसलिए रखी हैं क्योंकि वेदर बता रहा है कि वहाँ पे रेनी है और क्लाउडी वेदर है, तो इसलिए मैंने ये एहतियाती तौर पे सारा सामान रखा था। और अब मैं इनको झटपट से अपने बैग में डालूँगी, और बाबा का भी हम लोगों ने रेडी कर दिया सामान। और ये जी मेरे मेकअप का सामान है, वो तो जाहिर सी बात है सब कुछ रखा जाएगा। सब कुछ यहाँ पे मैंने रखा है, फाउंडेशन, सेटिंग स्प्रे, अपनी सनस्क्रीन, ये साथ में सीरम्स, जो जो चाहिए था मुझे सामान, ये जी मैंने रखा था यहाँ पे। ये वाइप्स हैं, फेशियल वाइप्स, मेकअप साफ़ करने के लिए परफ्यूम, एवरीथिंग मैंने अपने बैग में, हैंड बैग में मैं ये कैरी करूँगी। और उसके बाद चलें जी, अब नेक्स्ट मॉर्निंग है, सब कुछ पैक है, हम लोग निकलने वाले हैं। तो ये मैं आप लोगों को झटपट सी दिखाती हूँ। बैग हम लोगों ने पैक किए हुए हैं, जो हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट साथ में रखा है, लेकिन हमारा प्लान चेंज हो चुका है क्योंकि हम लोग लेट हैं। तो अब हम लोग सीधा जाएंगे ज़ोक, और वहाँ पे भरपूर नाश्ता करेंगे। ये हम आ चुके हैं ज़ोक, ये देखें जी पूरा पाकिस्तान है पीछे, और यहाँ पर है जी अब ये मेन्यू कार्ड। बहुत दफ़ा हम लोग ज़ोक आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, बहुत ही मज़े का यहाँ पर नाश्ता मिलता है, खाना भी मिलता है, और मोस्टली हम लोग हलवा पूड़ी खाते हैं, और साथ में आज हम निहारी भी ऑर्डर करेंगे। और चलें जी, अब हमारा टेबल सजने वाला है। ये रहा जी हमारा टेबल निहारी और हलवा पूड़ी की थालियों के साथ, साथ में मैंगो लस्सी, और हम करेंगे स्टार्ट। चलें जी, हम लोग वहाँ से फारिग होकर निकले हैं, और अब ये हमारा सफ़र स्टार्ट है। आप हमारे साथ सैर तफरी करें, बल्कि मैं सैर करवाऊँगी, तफरी आप खुद ही कीजिएगा। चलें जी, हम पहुंच चुके हैं अपने मंजिल मकसूद पे, जहाँ पे हम लोगों ने आना था। आ चुके हैं हम कैरी, कैरी है जिस सिटी का नाम, और जिस एरिया में हम लोग आकर अपना स्टे करेंगे वो है ट्रॉली। और ये हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, होटल की पार्किंग की तरफ जा रहे हैं हम, और बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इवन के बड़े भी थक चुके हैं, और रूहान साहब तो 2 दफ़ा गाड़ी में वॉमिट भी कर चुके हैं,
तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी और बच्चे इस वक्त बहुत इंजॉय कर रहे हैं बाहर निकल के, सवेला भी, इब्राहिम, और ये बहुत ही सुकून में है इस वक्त बच्चे। और कीज़ हमें मिल चुकी हैं जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, अब हम जा रहे हैं अंदर और आपको क्विक से अंदर भी व्यू करवाती हूँ कि होटल अंदर से कैसा है। चलें जी, अब हम जा रहे हैं अंदर। ये सिटिंग एरिया बना हुआ है बहुत ही प्यारा, और यहाँ से मैं जाऊँगी अंदर। ये लॉबी एरिया इसका, ये ट्रॉली का मैप है, और ये बाकी इसका व्यू आपको करवाती हूँ झटपट सा। ये यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है, पीछे डाइनिंग एरिया है, और ये पेंटिंग मुझे अच्छी लगी थी जिसका मैंने आपको दिखा दिया सीन। और ये रिसेप्शन साथ में, ये यहाँ पे ये बहुत सजा के रखा हुआ है इन लोगों ने सब कुछ। और ये है जी सिटिंग एरिया, यहाँ पे भी बैठने की बहुत ही खुली डुली जगह है जी। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने ऊपर रूम की तरफ, और मेरे रूम का नंबर है 301, और मैं आपको ये भी झटपट सा व्यू करवाती हूँ। आ चुके हैं हम कमरे में, कमरे में आते ही ज़रा थोड़ी सी गर्मी फील हुई थी। खैर चलें अब जी, अब ये है जी बाहर कैरी का एंट्रेंस बोर्ड जो मैं आपको पहले नहीं दिखा सकी, या मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखाती हूँ। यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी है, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये है हमारा होटल ब्रेंडन जहाँ पे हम लोग आके स्टे कर रहे हैं, बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है ये भी। और हम लोग अब जा रहे थे सिटी, टाउन सिटी, और ये है जी यहाँ पे मैप काउंटिंग कैरी, और अब हम जा रहे हैं अपने इनके टाउन को विज़िट करने के लिए, और शाम का खाना डिनर शिनर हम करके फिर ही लौटेंगे। और अब आप हमारे साथ सैर कीजिएगा, तफरी आप खुद कीजिएगा। ये यहाँ पे है जी इनका कोई चर्च है, क्या नाम है चर्च का ये मुझे नहीं पता, और ये हम जा रहे हैं। ये यहाँ पे कोई पुतला बाई भी खड़ी है, खड़े हैं बल्कि, और इनकी हिस्ट्री का मुझे नहीं पता। यहाँ पे हमें मिला है गाड़ा स्टेशन, और ये तो हर जगह पे होते हैं, और ये झटपट सा इनके टाउन का व्यू। यहाँ हम आ चुके हैं अपना डिनर करने के लिए ग्रिल एंड थ्रिल में। चलें जी, आपको झटपट सा इसका भी व्यू करवाती हूँ कि ये रेस्टोरेंट अंदर से कैसा है। ये है जी अंदर से सिंपल सा इसका व्यू, बहुत ही अच्छा है रेस्टोरेंट। अब हम करते हैं अपना खाना ऑर्डर, ये रहा मेन्यू कार्ड, और अब झटपट सा हमारा डिनर हमारे सामने है। ये दोनों टेबल सज चुके हैं और हमने अपना खाना खाया, बच्चे बहुत थक चुके थे, हम लोग भी थक चुके थे, तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। हम लोगों ने अपना खाना फटाफट से ख़त्म किया और फिर हम लोग अपने होटल की तरफ हम लोग वॉक करते हुए जब जा रहे थे तो ये टाउन में कुछ ये कॉन्सर्ट चल रहा था। चलिए आपको रिसेप्शन किस तरफ जा रही है ना घूम के, या